धांची समुदाय के लोग 1891 से लेकर 1921 तक लगातार आवेदन देते रहे उस समुदाय के लोग कि जनगणना में उनकी गणना मोल बनिया के रूप में किया जाए। मोदी कोई जाति नहीं है, उपनाम है, निकनेम है। मोदी जी की जाति का नाम है मोल घांची। जिस समुदाय में उनका जन्म हुआ है उसका नाम है मोल घांची। मोल 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 MORHE घांची CHA CHI मोल। जो जातिगत सर्वे की रिपोर्ट बिहार ने जारी किया, जो देश में एक नजीर बना है, देश में एक ऐसा उदाहरण हुआ है कि देश की राजनीति उस जाति सर्वे की रिपोर्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ऐसी स्थिति में आखिर ये केंद्र सरकार जातिगत सर्वे क्यों नहीं करवाना चाहती है? कुछ तो कारण होगा, कुछ ऐसी सच्चाई होगी जिसको केंद्र सरकार छिपाना चाहती है। तो आज हम उसी का खुलासा करेंगे और दस्तावेज के साथ खुलासा करेंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह दावा है कि हम पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा हैं। अब तक के माननीय सुशील मोदी जी यह कहते थे कि अति पिछड़ा है प्रधानमंत्री, लेकिन देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 अप्रैल 2019 को, तिथि याद रखिएगा, अब पंचांग वाला हमने निकाले हैं कि कौन पंचांग से एकादशी था कि कौन दिन झूठ असत्य बोले हैं। इन्होंने अपने आप को अति पिछड़ा कहा है। मोदी जी की कोई जाति, मोदी कोई जाति नहीं है, उपनाम है, निकनेम है। मोदी जी की जाति का नाम है मोल घांची। जिस समुदाय में उनका जन्म हुआ है उसका नाम है मोल घांची। मोल 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 MORHE घांची CHA CHI। ये पहली बार उद्बोधन में पूरी बात का कर रहा हूं। 2019 में मोदी जी पर आरोप लगा 2019 में कि मोदी जी ने 2002 में इसको OBC में शामिल कर लिया। तत्कालीन जो मोदी सरकार थी उसने यह कहा था कि हमने नहीं किया है। 1994 में मोड़ जाति को OBC में शामिल कर लिया गया। 94 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उसका जवाब यह आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह सुझाव दिया था 1994 में कि इसको पिछड़ी जाति में OBC में शामिल किया जाए। अब चलिए, 1993 में भारत सरकार का राजपत्र मैं दिखा रहा हूं, इसमें घांची जाति को OBC में शामिल नहीं किया गया। ये मेरे पास दस्तावेज हैं, 1993 का भारत सरकार का राजपत्र है यह। और चूंकि यह देश के प्रधानमंत्री का मामला, इसलिए देश की जनता को जानने का यह हक है। ये नंबर 23 में जो गुजरात का की जाति की सूची है, घांची मुस्लिम कहा गया है। ये दस्तावेज हैं, ये मेरा नहीं है, ये भारत सरकार के राजपत्र के, गुजरात द गैजेट ऑफ इंडिया, और उसके 23वें नंबर पर ही है यह। तो इसमें कहीं भी घांची जाति को OBC में शामिल करके नहीं दिखाया गया। 1931 की जनगणना का भी आप सूची देख लीजिए, उसमें भी कहीं मोल घांची जाति का वर्णन नहीं है, कहीं वो लिस्ट में नहीं है। 31 में नहीं है, 93 में नहीं है, अब परंतु घांची जाति का वर्णन है, मोल घांची नहीं है। तो घांची जाति में हिंदू घांची 6 तरह के थे, मुस्लिम घांची
1972 का जो सेंसस है, जो यह अधिसूचना है, इसमें भी मुस्लिम खांची है। सीरियल नंबर इसका है, मैं वो दिखा रहा हूं। सीरियल नंबर है इसका 25, घांची मुस्लिम। अब चलिए, ओबीसी की सूची में तो घांची मुस्लिम है, घांची हिंदू है नहीं। और मोदी जी ने ओबीसी में इसको शामिल करवा दिया। ओबीसी का वर्गीकरण कैसे होता है? सामाजिक आर्थिक सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर होता है। 1931 में जो हिंदू क्षेत्र के घांची थे, उनका साक्षरता दर 40% था। 1931 में, मैं शैक्षणिक बता रहा हूं, जबकि राष्ट्रीय औसत था 12.2%। गुजरात में राजपूत समुदाय का साक्षरता दर था 15% और ब्राह्मण का था 40-45%, और इनका था 40%। तो घांची पिछड़ा समुदाय में कैसे शामिल हो गया? जब इसकी शैक्षणिक योग्यता 40% था, तो शामिल होने का औचित्य क्या था करने का? अब चलिए सामाजिक पैमाना इनका देखिए। 1921 की जनगणना में, 31 नहीं, 21 की जनगणना में मोल घांची का जिक्र है। मोल घांची समुदाय के लोग 1891 से लेकर 1921 तक लगातार आवेदन देते रहे उस समुदाय के लोग कि जनगणना में उनकी गणना मोल बनिया के रूप में किया जाए, मोल घांची के रूप में नहीं। नरेंद्र मोदी के जिस समुदाय में जन्म लिए, उनके पूर्वजों ने लगातार आवेदन दिया ब्रिटिश हुकूमत को, और 1929 तक लगातार, 21 तक लगातार देते रहे कि हमको घांची समुदाय में नहीं रखा जाए। उसका कारण उन्होंने बताया कि न तो हम घांची समुदाय का बना खाना खाते हैं, जरा समझ लीजिए, और न ही उसके साथ खाते हैं, न ही उनके साथ कोई हम आशादी संबंध होता है। तो सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी की जाति अगर मोल घांची है, न वो सामाजिक रूप से पिछड़ा था, न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने आपने ओबीसी में कैसे शामिल कर लिया? कैसे वो जाति ओबीसी में शामिल हो गया? कब उसका सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ? वो सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट कहां है? नरेंद्र मोदी बताइए, जो आपने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया, और हालात आप वोट के इतने बड़े निर्लज्ज सौदागर हैं कि आपने कन्नौज में कह दिया कि ये अति पिछड़ी जाति का मैं हूं। कहां है वो अधिसूचना कि गुजरात में आपकी जाति और बिरादरी के लोग अति पिछड़ा समुदाय में है? ये वोट का सौदागर है। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाति गणना नहीं कराना चाहते हैं। इसके पीछे मंशा यही है। इसलिए हमारा सीधा आरोप है कि देश के सबसे बड़े पद पर, लोकतंत्र के मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति, जो देश का प्रधानमंत्री है, वह मोल घांची जाति सच में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगली जाति के रूप में चिन्हित था, जिनका दावा इनके पूर्वज भी कर रहे थे। 1891 से 1921 तक मोल बनिया में शामिल करें, मोल घांची में नहीं, हम पिछड़ा नहीं अगड़ा है, इनके पूर्वज दावा कर रहे थे। जातिगत सर्वे जब होगा तो इनकी सामाजिक सच्चाई सामने आ जाएगी कि कैसे घाल मेल नरेंद्र मोदी ने किया, और इसीलिए यह जातिगत सर्वे नहीं करा रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि छोड़िए देश के पैमाने पर, बिहार बीजेपी के नेता स्पष्ट करिए
कि क्या हमारा यह आरोप सही है कि जिस समुदाय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जन्म लिए वह समुदाय अगला समुदाय था, वोट के सौदागर ने उसको पिछड़ी जाति में बगैर कोई सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के, चूंकि वह रिपोर्ट यह कहता है कि इनका शैक्षणिक और सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, आपने सत्ता का दुरुपयोग करके उसको पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया और हालात आपने यह कर दिया कि अब झूठा तो हम नहीं कह सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन असत्य बोला है देश के प्रधानमंत्री ने। अब तक तो सुशील मोदी बोल रहे थे, यह हम लोग जान रहे थे, जब हमने इसका देखा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2019 को कन्नौज में चुनावी सभा में कहा कि हम अति पिछड़ा समुदाय के हैं, जिसका वीडियो क्लिप भी हमने दिखाया है। अगर हिम्मत है भाजपा में तो हमारे इन आरोपों का जवाब दे कि पहले ओबीसी कैसे बने, ओबीसी के बाद अति पिछड़ा वर्ग के कैसे बन गए और आपके पूर्वजों ने क्या दावा किया था इस सवाल पर, और अधिसूचना दिखाइए, ईबीसी का अधिसूचना दिखाइए कि कब जारी हुआ गुजरात में। चूंकि जातिगत सर्वे पर जिस ढंग की बातें आप कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से आपको यह आशंका है मोदी सरकार को कि अगर जातिगत सर्वे होगा देश के अंदर में तो नरेंद्र मोदी का जातिगत फर्जीवाड़ा जो है वह उजागर हो जाएगा। इससे आदरणीय नरेंद्र मोदी भयभीत होकर करके सामाजिक आर्थिक जनगणना नहीं करवा रहे हैं।